वेलकम टू होममेड फूड मैनिया। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक फ्री में पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मल्टीपल समर रेसिपीज, जिसमें से फर्स्ट रेसिपी हमारी होगी फालसा या ग्रेवी एशियाटिका सॉस, यानी फालसा की चटनी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि फालसा हमें क्या फ़ायदे पहुंचाता है। तो फालसा जो है वो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट रखता है और एक कूलिंग इफेक्ट देता है। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे, फालसा, सॉल्ट, शुगर, चिली फ्लेक्स, विनेगर यानी सिरका, फूड कलर और वाटर। तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है रॉ फालसा यानी कच्चा फालसा, थोड़ा हार्ड वाला। ये देखिए फालसा मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ के जी। सॉल्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोग चटनी में पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर मैंने ली है जो कि ऑलमोस्ट 250 ग्राम है, और हमें चाहिए होगा पानी। फालसे को हम लोग शिफ्ट करेंगे पैन में और उसके साथ में पानी शामिल करके इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। डिटेल्ड रेसिपी है, हम फालसे को पानी के साथ मीडियम लो फ्लेम पर चम्मच के साथ हिलाते रहेंगे और हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक फालसा जो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। ये देखिए अभी फालसे का रंग रेड है, आहिस्ता आहिस्ता फालसा अपना रंग जो है वो पानी को ट्रांसफ़र कर देगा।
देखिए पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और फालसा आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग छोड़ रहा है। मीडियम लो फ्लेम पे ही इसको उबलने देंगे और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पिंक सॉल्ट। आप लोग नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऐड कर दूँगी चिली फ्लेक्स। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी शामिल करने के बाद याद रखिएगा कि हमें लो फ्लेम पे इसको पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका पानी खुश्क हो जाएगा, जबकि हमें इसमें चाशनी बनानी है यानी लिक्विडी गाढ़ापन लाना है इसमें। कंटिन्यूसली आप लोग चम्मच चलाते रहिए और लिक्विड का टेक्सचर चेक करते रहिए, क्योंकि हमें इसको गाढ़ा करना है। लेकिन याद रहे फ्लेम हमारा लो होना चाहिए। अभी देखिए इसका जो मिक्सचर है लिक्विड चीनी चिली फ्लेक्स और नमक के साथ जो हमने बनाया है वो अभी गाढ़ा नहीं हुआ। अभी हम इसको और पकाते जाएंगे यहाँ तक कि पालसा बिल्कुल जर्दा रंग का हो जाएगा और जो लिक्विड है वो बिल्कुल डार्क रेड कलर में हो जाएगा। अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ, अभी इसे हम कंटिन्यूसली पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सिरका यानी विनेगर, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, उसको शामिल कर देंगे और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। पालता बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मैश करूँगी ताकि हमारी जो लिक्विड है वो गाढ़ा हो और उसमें इसका पल्प शामिल हो जाए।
टेबलस्पून पानी और पिंच ऑफ रेड फूड कलर, इसको मैं शामिल करूँगी पालसे की चटनी में, क्योंकि आपने देखा है कि पालसा जर्द रंग का हो गया है, तो इसको ऐड करने से हमारी चटनी में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ मैं फूड कलर ऐड करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कीजिए, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा गाढ़ा सा हमारा सॉस तैयार हो गया है। बहुत ही खट्टा मीठा सा सॉस है, बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप लोग फालसे को इसी तरह रखना चाहें तो इस तरह ही रखिए, अगर आप इसको फालसे को निकालना चाहते हैं तो आप इस सॉस को ग्राइंड कीजिए और इसको स्ट्रेन कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप इस सॉस को 1 से 2 मिनट और पकाएं और उसको शिफ्ट कर दीजिए बाउल में। मैं इसको एज इट इज़ ही सर्व करूँगी। मैं इस सॉस को स्टोर करूँगी शीशे के जार में। आप लोग चाहें तो किसी टिफ़िन बॉक्स में, किसी एयर टाइट बॉल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी सॉस अच्छे से ठंडी होने के बाद ही आप इसके ढक्कन को बंद कीजिएगा, अदरवाइज़ इसमें बबल्स बन जाएंगे और चटनी ख़राब होने का खर्चा होगा। वैसे इसमें हमने सिरका ऐड किया है, अगर आप इसको प्रॉपर ठंडा करके स्टोर करेंगे तो फिर ये ख़राब नहीं होगा। हम सॉस को जार में शिफ्ट करते हैं। Thank you.
ज़बरदस्ती हमारी फालसा सॉस तैयार है, आप इसको सर्व कीजिए, मेहमानों को खिलाइए, खुद भी खाइए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह सॉस की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हमारी आज की सेकंड रेसिपी होगी फालसा जैम, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो चलें फालसे का जैम बनाने की तरफ बढ़ते हैं। और इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में हम यूज़ करेंगे फालसा, शक्कर यानी या शुगर, सॉल्ट, बटर, जिंजर जूस और विनेगर। फालसा जैम के लिए मैंने नॉर्मल फालसा लिया है, जो कि कुछ सॉफ्ट भी है और कुछ हार्ड भी है। पका हुआ फालसा लेंगे हम जैम के लिए। उसके साथ मैं सॉल्ट यूज़ करूँगी, जो कि हमें पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करना है। आप लोग नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, मैं पिंच सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पर ली है शक्कर या गुड़। इसके साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो शुगर से एक्सचेंज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका। और साथ में मैंने लिया है 2 से 3 कतरे जिंजर जूस यानी अदरक के रस के। और इसके साथ भी हमें चाहिए होगा पानी। फालसे को पानी के साथ हम मिक्सर में ऐड करेंगे और इसका बनाएंगे हम स्मूथ पेस्ट। का पेस्ट बहुत ही स्मूथ और अच्छे से ग्राइंड होना चाहिए, ताकि हमें स्ट्रेन करने में आसानी रहे। स्ट्रेन करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्ट्रेनर से इस पेस्ट को चम्मच की मदद के साथ अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए।
दूसरा तरीका यह है कि आप मलमल के कपड़े से भी इस पेस्ट को छान कर अच्छे से इसका लिक्विड सेपरेट कर सकते हैं। ये देखिए लिक्विड मैंने सेपरेट कर लिया है और अब इसको हम पैन में ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे, वेरी लो फ्लेम पे हम इसको स्टिर करते रहेंगे, यानी चम्मच चलाते रहेंगे और इसको लो फ्लेम पर ही हमने पकाना है। कुछ देर पकाने के बाद हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। इसके साथ हम जिंजर जूस, जो हमने 2-3 कतरे अदरक का रस निकाला था वो शामिल कर देंगे और उसके साथ ही 1 टीस्पून सिरका, ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सर हमारा गरम हो चुका है अच्छे से और इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे इसमें शक्कर। और अच्छे से हम इसको डिसॉल्व करेंगे, उस वक्त तक हम चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक हमारी शक्कर जो है वो अच्छे से हल नहीं हो जाती।
जो लिक्विड हम पका रहे हैं लो फ्लेम पर, आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कलर चेंज करता रहेगा, वो डार्क कलर में आता जाएगा, यानी उसका रंग गहरा होता जाएगा। लेकिन फ्लेम शुड बी वेरी लो। लो फ्लेम पर पकाने से जो मिक्सचर है उसमें एक स्मूथनेस आती रहेगी, क्योंकि हमने इसमें शक्कर शामिल की है।
यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। हमें रिक्वायर्ड जितना गाढ़ा रखना है उस हिसाब से मैं इसको रखूँगी। हमें ज़्यादा इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं करना। ये बहुत अच्छे से पक चुका है और हमें इसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह डालकर गाढ़ा नहीं करना है इसको। इसको हमें सिर्फ लो फ्लेम पर पका कर ही गाढ़ा करना है। यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्लेम हाई किया है, बहुत हाई नहीं, लो से मीडियम लो फ्लेम पर, ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। मिक्सर हमारा रेडी है। इसको जैम की शक्ल देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोजमर्रा का जेलेटिन, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून जेलेटिन और 1 टेबलस्पून पानी में मैं इसको हल कर लूँगी। मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रखूँगी। आप लोगों को अगर मार्केट जैसा जैम बनाना है, यानी बिल्कुल वैसा ही टेक्स्चर रखना है, तो आप लोग जेलेटिन की मिकदार बढ़ा दीजिएगा। मुझे जितना गाढ़ा जैम को रखना है वो टेक्सचर मुझे मिल गया है। लिक्विडी टेक्सचर में जैम को अप्लाई करना तो उसपे आसान होता है, लगाना आसान होता है। सो मैं ऐसा ही टेक्सचर रखूँगी। मेक श्योर अगर आप लोगों को ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप लोग जेलेटिन 2 टीस्पून या 3 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं, और टेबलस्पून पानी आप 1 टीस्पून जेलेटिन और 1 टेबलस्पून पानी।
इज़ रेडी और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको शिफ्ट करते हैं बाउल में। जैम को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको स्टोर करेंगे। जैम हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी जार में जिसमें मुझे इसको स्टोर करना है। जैम ठंडा हो जाने के बाद ये देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा और गाढ़ा हो गया है। अगेन मैंने एक लिया है शीशे का जार जिसमें मैं इसको स्टोर करूँगी। आप फिर चाहें तो किसी एयर टाइट बाउल में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं अपनी आज की थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड रेसिपी है फालसा जूस, जो कि बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए होगा फालसा, शुगर, ब्लैक सॉल्ट, बटर और आइस क्यूब। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ आपको। यहाँ मैं ले रही हूँ चिल्ड फालसा, आप लोग फ्रेश भी ले सकते हैं। चीनी मैंने ली है, चीनी आप लोग एक्स्ट्रा टेस्ट यूज़ कीजिएगा जैसा आपको मीठा पसंद है। इसके साथ मैं लूँगी काला नमक। जब हम बाज़ार से बीज पीते हैं तो उसमें एक अलग सा टेस्ट होता है जो कि हमें घर पे नहीं मिलता, तो वो काले नमक की वजह से होता है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा पानी। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा फालसे का जूस। सबसे
चीनी, इसके साथ ही शामिल कर दूंगी पानी। ग्राइंड हो गया बहुत अच्छे से। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं स्ट्रेन करने के लिए। बाजार में कुछ जगह पर मिलता है वो, इसमें जामेशीरी और अपसा ऐड कर देते हैं, हम ऐड नहीं करेंगे, हमें फ्रेश ही चाहिए। मैं इसको बिल्कुल ही पीना पसंद करती हूँ। अगर आप स्ट्रेन करना चाहते हैं तो अगेन इसको आप स्ट्रेन कीजिए, इसका पल्प और इसकी गुठलियाँ जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और आपके पास मज़ेदार सा जूस रह जाएगा, उसको हम सर्व कर देंगे।
की जो पल्प है ये बहुत मज़े का लगता है, बट अगेन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको सर्व कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। अगेन आई होप आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने शेयर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आज आप लोगों के साथ एक और रेसिपी शेयर करूँगी जो कि होगी समर स्पेशल रेसिपी है और वो है क्रीमी मैंगो शेक। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। क्रीमी मैंगो शेक के लिए मैं यूज़ करूंगी 2 अदद आम जो कि नॉर्मल साइज़ के हैं और अच्छी तरह पके हुए आम हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। शुगर मैं यूज़ करूँगी 3 टेबल स्पून, आप लोग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्रश्ड आइस लिए है मैंने 1 कप और इसमें मैं दूध यूज़ करूँगी 1/2 लीटर जो कि आप देख सकते हैं कि फुल क्रीम मिल्क है, आर्टिफिशियल क्रीम मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैंने दूध की बनाई दूध में ही रहने दी है। तो हम मिक्सर में ऐड करेंगे सबसे पहले क्रश्ड आइस, उसके साथ ही चीनी, इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी आम जो हमने चॉप करके रखे हैं, और इसके साथ हम ऐड कर देंगे फुल क्रीम मिल्क। अगर आप लोगों के पास फुल क्रीम मिल्क अवेलेबल नहीं हो तो आप 1/2 कप क्रीम इसमें ऐड कर सकते हैं जो हमें बाज़ार से इजीली अवेलेबल होती है। पाँच मिनट इसको ग्राइंड करने के बाद हमारा क्रीमी मैंगो शेक तैयार है। बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, बड़ों का भी, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिए इस समर सीज़न को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खाते पीते रहिए।
वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं आज की सब रेसिपीज़ पर जो हमने आज आप लोगों के लिए डिज़ाइन की थी आपके समर को इंजॉय करवाने के लिए। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपीज पसंद आई होंगी। मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है फालसा सॉस, फालसा जैम, फालसा जूस एंड यम्मीएस्ट क्रीमी मैंगो शेक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की तमाम रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को थम्स अप कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा। चैनल पर हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं मज़ीद रेसिपीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।